और क्या देख इस, तो उसमें मेडिटेशन भी कराते हैं आपकी क्लास में जी। कौन सा आपका फेवरेट गेम? फ्री फायर। फ्री, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, जो अभी दिल्ली का एनवायरनमेंट है बहुत खराब है जी। अभी हमारी जो हवा है, फेवरेट गेम कौन सा? पबजी है वैसे तो। हाँ। गेम जो आपको अच्छा लगता है? और एक बैट बॉल। बैट बॉल, अच्छा। क्रिकेट खेलते हैं आप? हाँ। तो अभी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं? खेल के आ रहे हैं। अच्छा, खेल के आ रहे हो। हाँ। तो मोबाइल में कौन सा गेम पसंद है? मेरे को पबजी। अरे वाह, क्या बात है। अब तो नया पबजी आ गया, उसके बारे में पता है? नहीं नहीं पता। अब पबजी ऑफिशियली आ गया इंडिया में, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से। तो अब तुम डाउनलोड करना, ठीक है? आज शाम को ही कर लूंगा। ये हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आजकल हम बच्चों से उनकी हैप्पीनेस क्लासेस के बारे में पूछ रहे हैं। हैप्पीनेस प्रोग्राम दिल्ली गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है बच्चों को एक स्ट्रेस फ्री एजुकेशन की तरफ ले जाने के लिए, जिसमें बच्चों को मेडिटेशन, स्टोरी टेलिंग और ऐसे ही बहुत सारी अदर एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, जिससे कि बच्चों को थोड़ा स्ट्रेस कम रहे। और हम साथ में बच्चों से आजकल ये भी जान रहे हैं कि बच्चों को कौन से गेम ज़्यादा पसंद हैं। जैसे कि आजकल अभी हम बच्चों से बात करते हैं तो हमें पता लगता है पबजी, फ्री फायर जैसे गेम बच्चे बहुत खेलते हैं, और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बच्चों से जानने की कोशिश करेंगे। तो आपका नाम क्या है? रॉबिन डैनियल। अच्छा, तो रॉबिन आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 9C। और कौन से स्कूल में पढ़ते हो? यही पे, गवर्नमेंट वाले में। अच्छा, जी। तो आपकी हैप्पीनेस क्लासेस होती है जी? तो आप अपनी हैप्पीनेस क्लास के बारे में बताओगे, उसमें क्या पढ़ाया जाता है? जी, हैप्पीनेस सब्जेक्ट बहुत अच्छा है सर, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है और उसमें काफ़ी अच्छी अच्छी स्टोरियाँ सुनाई जाती है, उसके बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है, उसके बारे में काफ़ी हमसे पूछा जाता है, हमें खड़े होकर याद करवाते हैं और हमसे स्टोरी सुनते हैं, हमसे पढ़वाते हैं, रीडिंग करवाते हैं। काफ़ी अच्छी बुक है, बहुत अच्छी अच्छी स्टोरियाँ हैं उसमें, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है वो। तो उसमें मेडिटेशन भी कराते हैं आपकी क्लास में जी? अच्छा, तो आपको हैप्पीनेस क्लास कैसी लगती है? अच्छी लगती है, बहुत बहुत अच्छी है। अच्छा, हैप्पीनेस क्लास आपको बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, एक बात बताओ, आप गेम भी खेलते हो? हाँ जी। कौन सा है आपका फेवरेट गेम? फ्री फायर। फ्री फायर जी। अच्छा, चलो तो बहुत अच्छी बात है। तो फ्री फायर में आप अभी कौन से लेवल पे पहुंचे हुए हो? मैं गोल्ड कार्ड। अच्छा, गोल्ड कार्ड पे, बहुत अच्छी बात है भाई। तो मतलब तुम तो बढ़िया खेलने वाले प्लेयर हो, हैं? तो चलो अच्छी बात है। अच्छा, एक बात बताओ, आपको एनवायरनमेंट के बारे में कुछ पता है हमारे? अच्छा, तो देखो मैं आपको बताता हूँ, जो अभी दिल्ली का एनवायरनमेंट है बहुत खराब है जी। अभी हमारी जो हवा है बहुत खराब है जी, तो उसको सही करने के लिए कोई, किसी ने कुछ आपको बताया क्या करना चाहिए हमको? हाँ जी जी, फैमिली में सब कुछ सारे मेडिकल्स में ही है, हमारी बड़ी मम्मी है वो भी हमें समझाती रहती हैं, कह रहे हो हर सेकंड के लिए जब भी बाहर निकलते हो मास्क लगा के निकलो, बिना मास्क के मत रहा करो, आज ही मेरा मास्क घर पे रह गया वरना मेरी जेब में परमानेंट मास्क रहता है। अच्छा, तो चलो मैं भी, मिस्टेक हो गई, आज मेरा मास्क घर पे रह गया। चलो कोई नहीं, अब आप अभी तो खेलने जा रहे थे ना? हाँ जी, हाँ जी। कहाँ गया आपका बैट बॉल, वो तो दिखा दो। अच्छा, मैं भी आपको बताता हूँ दो चीजें जी। देखो, जो हमारा एनवायरनमेंट है उसको सही करने के लिए ना जी, जी। हमको पेड़ लगाने चाहिए जी, हाँ जी। ठीक है, और पॉलीथिन का कम इस्तेमाल करना। तो अब आप ये करोगे ना? जी जी, बिल्कुल। क्या नाम है आपका? माय नेम इज यीशु। अच्छा, तो आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 11th में आया हूँ अभी। अच्छा, और कौन से स्कूल में? बीसवें पितामह सर्वोदय बाल विद्यालय। तो आपकी हैप्पीनेस क्लासेस होती थी? हाँ। तो आप हमें थोड़ा सा बताएंगे हैप्पीनेस क्लास में क्या बताते थे आपको? हाँ, हमारे को वहाँ पे स्टोरी सुनवाते थे और पढ़वाते थे कि हाँ इसको रीड करो, और मेडिटेशन करवाते थे, और हमसे पूछते थे कि इसको मतलब कल याद करके आना है, ये सब वगैरह बताते थे बस। तो आपको जो हैप्पीनेस क्लासेस होती थी वो आपको लेना अच्छा लगता था? हाँ। तो उससे कुछ स्ट्रेस कम होता था आपका? हाँ, सब मैम कराती थी और सब बच्चे आते थे एक भी सारी क्लास के। अच्छा, तो वो उसको लेने में बहुत अच्छा लगता हाँ। था आपको। अच्छा, चलिए ठीक है। और अच्छा, और आपका फेवरेट गेम कौन सा? मतलब कैसे बताना है, मोबाइल? कैसे, दोनों बता दो, इंडोर आउटडोर सब। पबजी है वैसे तो। हाँ। और वैसे मैं क्रिकेट खेल लेता हूँ कभी कभार। अच्छा, क्रिकेट खेलता। तो अच्छा, पबजी के बारे में पता है आपको? अभी नया बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया है, तो खेलते हो आप? अभी वो iOS में नहीं आया ना। हाँ, ओहो, आप iOS में खेलते हो। हाँ, अभी लॉन्च नहीं हुआ iOS में। अच्छा, तो आपको हमारे एनवायरनमेंट के बारे में पता है, जो ये हमारे आसपास आजकल बहुत प्रदूषण बढ़ता जा रहा है? हाँ। बहुत दिक्कत है, तो इसको सही करने के लिए आपके टीचर कुछ बताते होंगे? हाँ। तो आप हमें भी बताएंगे प्लीज़? वो बोलते हैं कि हमें मतलब ज़्यादा
ऐसी मतलब गाड़ियाँ नहीं चलानी चाहिए जिससे ज़्यादा पोल्यूशन होता है। हमें ज़्यादातर सीएनजी का यूज़ करना चाहिए और हमारे को फालतू जगह पे मतलब आग वगैरह नहीं जलानी चाहिए जिससे कि ज़्यादा पोल्यूशन होगा। हम पिन्नी वगैरह नहीं जलानी चाहिए, जो कूड़ा होता है उसको साइड में रखना चाहिए, उसको जलाना चाहिए बस। अच्छा, और एक दो चीज़ मैं भी बताता हूँ आपको। एक, हमें पेड़ लगाने चाहिए बहुत सारे, ठीक है, और जो पॉलीथीन है उसका यूज़ कम से कम करना चाहिए, ठीक है। आपका बर्थडे कब आता? 3 सितंबर। तो अब जब आपका बर्थडे आएगा ना तो आप एक पेड़ ज़रूर लगाना, ठीक है। मैं तो भी लगाता हूँ अपने पार्क में। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी आते हैं, घर घर से सब उगाते हैं। हाँ। और ले आके वही लगाते हैं पार्क में। अच्छा, क्या अब पार्क है? पहले बेकार था, अब सही हो गया हमारा पार्क। तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलो, अब हम आपकी जब आपकी वीडियो आएगी ना तो आप कमेंट करके ना वो फोटो हमें जरूर भेजिएगा अपने पार्क, ठीक है। क्या नाम है आपका? विकास सर। अच्छा विकास, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? जनता फ्लैट वाले में। अच्छा विकास, आपके स्कूल में हैप्पीनेस क्लासेस होती हैं? नो सर। अच्छा, तो आपने कभी इस स्कूल में हैप्पीनेस क्लासेस नहीं ली? नहीं सर। अच्छा ठीक है। अच्छा विकास, एक चीज़ बताइए, आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती थी? यस सर, होती है। अच्छा होती हैं, तो आपको ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा अच्छी लगती हैं या ऑफलाइन क्लासेस? मेरे ऑफलाइन क्लासेस। ऑफलाइन क्लासेस। अच्छा, तो एक चीज़ और बताइए, आपका फेवरेट स्पोर्ट्स कौन सा है? मेरा कैरी मोड। अच्छा, और कोई और भी है गेम जो आपको अच्छा लगता है? और एक बैट बॉल। बैट बॉल। अच्छा, क्रिकेट खेलते हैं आप? हाँ। तो अभी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं? खेल के आ रहे हैं। अच्छा, खेल के आ रहे हो? हाँ। तो फिर तो आज तो सेंचुरी एंचुरी बना के आए? नहीं आए, नहीं, आज आउट हो गया। अच्छा चलो कोई नहीं। अच्छा, तो आपको हमारे एनवायरनमेंट के बारे में पता है कुछ, कि हमारा जो दिल्ली का एनवायरनमेंट है ना बहुत ख़राब है अभी, यहाँ की हवा बहुत गंदी है, ये तो इसको सही करने के लिए आपके टीचर कुछ बताते हैं आपको? नो सर, अभी तो स्कूल बंद पड़े हैं। अच्छा, इसीलिए। तो चलो मैं आपको ना दो बहुत छोटी छोटी चीज़ें बताता हूँ। एक तो जो पॉलीथीन होती है ना, हमें उसका यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे वो बीमारी होती है। यस सर। हाँ बिल्कुल सही। और हमें पेड़ लगाने चाहिए। लगाते सर, हमारी स्कूल में होते हैं। अच्छा, इनके लिए भी क्लास उसमें लगाते हैं। ओहो, तो ये तो आप चलो देखो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, क्योंकि जितने ज़्यादा पेड़ होंगे उतनी हरियाली, उतनी ऑक्सीजन मिलेगी हमें। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए शुक्रिया। क्या नाम है आपका? सोनू। सोनू, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 10th में। तो सोनू, आपकी हैप्पीनेस क्लासेस होती हैं? है, हाँ। तो हैप्पीनेस क्लास में आपको क्या पढ़ाते हैं? कहानी वानी सिखाते हैं, अच्छी अच्छी पोएम बताते हैं हमें। अच्छा, शिक्षा भी सर जी अच्छे 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 देते हैं, बहुत अच्छे हमारे सर जी। अच्छा, और आपकी मेडिटेशन भी कराते हैं आपसे? है, हाँ। अच्छा, योगा भी कराते हैं क्या उस क्लास में? है, नहीं नहीं, योगा नहीं कराते। अच्छा, तो आपको हैप्पीनेस क्लासेस अच्छी लगती हैं? हाँ। अच्छा, तो और आपका फेवरेट गेम कौन सा है? हाँ, क्रिकेट। और फ़ोन में मोबाइल में भी गेम खेलते हो? हाँ, हाँ। तो मोबाइल में कौन सा गेम पसंद है? मेरे को पबजी। अरे वाह, क्या बात है, अब तो नया पबजी आ गया, उसके बारे में पता है? नहीं नहीं पता। अब पबजी ऑफिशियली आ गया इंडिया में, बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से। तो अब तुम डाउनलोड करना, ठीक है? आज शाम को ही कर लूँगा। हाँ, ये बात बहुत बढ़िया, आज शाम को ही डाउनलोड करेंगे पबजी। चलो, कितनी देर खेलते हो अच्छा पबजी वैसे पूरे दिन में? आधा एक घंटा खेल पाता हूँ। चलो, इससे ज़्यादा खेलना भी मत, अच्छा नहीं होता ज़्यादा खेलना। और आपको हमारे एनवायरनमेंट के बारे में पता है? तो मैं बताता हूँ, जो दिल्ली की हवा है ना अभी बहुत प्रदूषित है, तो इससे सांस लेने में ना हमें बीमारियाँ होती हैं। इसको सही करने के लिए हमें पेड़ पौधों का ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। हमें ऑक्सीजन तो लेकिन पेड़ों से मिलता है ना। हाँ, इसीलिए हमें पेड़ पौधे लगाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। आप लगाते हो पेड़ पौधे? हाँ, अच्छा, मेरे घर पे लगे हुए हैं। अच्छा, आपका बर्थडे कब आता है? मेरा 25 जुलाई। अच्छा, तो अब आपका बर्थडे अभी तो निकल गया, पर कोई नहीं, अब ना आप एक पेड़ घर जाकर जरूर लगाना है, दो चार दिन, ठीक है। और जो पॉलीथीन होती है ना, उसका इस्तेमाल हमें कम से कम करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जो पन्नी होती है ना वो रिसाइकिल नहीं हो पाती है, और अगर आप उसको कहीं डाल दोगे ना तो वो कई सौ सालों तक वहीं पड़ी रहती है, तो पन्नी बहुत हार्मफुल होती है हमारी, ठीक है। चलिए।